वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। आज हूँ मैं बैठा हुआ किसी एक शॉप के अंदर और मेरे साथ में यहाँ की तरफ है हमारे, जी हाँ, मन्नू भाई। मन्नू भाई, आज से पीछे की मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देख चुके होंगे इनको मेरे साथ में। हमने आज से पीछे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाकर ये बताया है कैसे आप हेडलाइट अपग्रेड करो, लाइटें, एचआईडी। तो देखो, हम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं लाइटिंग पर्पज़ के लिए कि भाई जिसको सॉल्यूशन नहीं मिलता उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा काम करा है। अब इसके बाद हमारे पास बारी आई है ऐसी चीज़ की कि लोगों के लिए बेसिक नीड है गाड़ी के अंदर। जब भी आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक बेसिक नीड है, तो उसकी कॉन्सेप्ट में आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और शूट कर रहे हैं। फिर चाहे आपके पास कोई बेस वेरियंट की कार हो या फिर चाहे कोई टॉप वेरियंट की कार हो, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मेरी कार से जो मुझे अप्रोप्रिएट आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो सिचुएशन में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, यहाँ की तरफ सब कुछ सेटअप करे बैठे हैं। ये थी एक बहुत डिमांडिंग वीडियो क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं यार 20,000 या 8,000 या 5,000 के अंदर मैं अपनी किसी भी नई या पुरानी कार के अंदर कुछ अपग्रेड चाह रहा हूँ ऑडियो का, और क्या क्या चीजें लगवानी चाहिए, कैसे कैसे करवाऊँ वो मुझे समझा दो, या फिर मैं कौन से स्पीकर के साथ कौन सा पेयर चलाऊँ, क्या एंड्रॉइड चलाऊँ या फिर कौन सा स्टीरियो करूँ अपग्रेड। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली उसी के ऊपर मन्नू भाई हमारे करेंगे एक्सप्लेन। इनसे मैं छोटे छोटे सवाल बीच में पूछता रहूंगा, सो मैं एज अ ऑडियंस आपकी तरफ से पूछूंगा और ये बताएंगे कि कौन सी चीज आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए कौन से कंपोनेंट स्पीकर आपके लिए सही है या नहीं है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है हमारे पास कि ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपको मिलेगी, सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको विजिट करना है शॉप पे तो आप कर सकते हैं शॉप पे, अदरवाइज आपको ऑल ओवर इंडिया वारंटी वारंटी के साथ मींस कि आपको अगर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। चलो तो भाई इसी के साथ ही यहां पर करते हैं वीडियो स्टार्ट, आ जाइए। तो मनु भाई, पूछना चाहूंगा अगर कोई भी नई कार ले रहा है तो सबसे पहला सजेशन आपका उन लोगों के लिए क्या रहेगा कि अगर उसमें सिस्टम ले लगा हुआ है या बिल्कुल बेस वेरिएंट ले। देखो, दो चीजें होती हैं। अगर आप कंपनी से फैक्ट्री फिटेड साउंड लेते हैं तो उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा हाई एंड रेंज में जाना पड़ेगा, मिनिमम स्टार्टिंग में यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। अगर आप बेसिक रेंज लेना चाहते हैं, आपका बेसिक मॉडल है, अगर इन फ्यूचर में आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्लियरेंस जरूरी होती है कि आपका साउंड टेस्ट कैसा है, कि आप एम्पलीफायर इंस्टॉल कराना चाहते हैं इन फ्यूचर में या नहीं कराते हैं। पहली चीज़ तो आप अपने माइंड में वो चीज़ क्लियर हो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने अगर एम्पलीफायर नहीं लगाना तो आपको अगर अच्छे साउंड चाहिए जिसमें बेस का इफेक्ट और वोकल का इफेक्ट भी अच्छा और क्लियर है और आपको सुनने में मज़ा आए और फुल वॉल्यूम पर ना फटे, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है। और बेसिक रेंज अगर आपने जानी है कि अभी मेरी गाड़ी में चार स्पीकर चल रहे हैं और एक कुछ साउंड एक सुनाई दे रही है, तो यहाँ से बेसिक रेंज स्टार्ट। मतलब अगर बिल्कुल बजट नहीं तो हम बेसिक सेटअप करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि मतलब कि बिल्कुल बेसिक। अच्छा, और आप रेकमेंडेशन क्या दोगे कि कल को हम एम्पलीफायर वाला सेटअप प्लान करें फ्यूचर में भी, कि अगर अभी अगर देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बेसिकली एम्पलीफायर का सोच रहे हो तो इस वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी हामी नहीं भरूंगा मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आपको उस लेवल पे नहीं है। यहाँ से स्टार्टिंग में होती है मिनिमम, जिसमें आप चार स्पीकर JBL के हमारे हैं जो कि आप एम्पलीफायर पर रन कर सकते हो, इसको आप एम्पलीफायर कनेक्ट करा सकते हो। इन फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड थोड़ा ज़्यादा कराना है, जैसे कोएक्सल और हमारा इसका कॉम्बो बनाते हैं आप स्टेट सीरीज के, बेसिकली कोएक्सल का और कंपोनेंट्स का, तो ये भी ले सकते हैं। इसमें जो आपके 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है इन टोटल के, इस कॉम्बो के अलावा। तो वैसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है एथेंस का स्टीरियो ड्रिवन का, बेसिकली कोएक्सल स्पीकर्स हैं 2 सेट, ये बेसिक सीरीज़ है, 601 मॉडल नंबर है इसके। इससे अपग्रेडेड मॉडल्स भी आते हैं, 280 वॉट्स में आते हैं बेसिकली वो। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, कॉम्बो पूरा आपका आएगा 8500 रुपये में, 1, 2, 3 चीज़ों का, ठीक है। और इससे ऊपर अगर जाते हो जिसमें 280 वॉट आता है लिखा हुआ, वो लगभग लगभग भी 1500-2000 या 2500 का फर्क रहेगा इन टोटल में, सेम कॉन्सेप्ट। तो मतलब अगर एंड्रॉइड की स्टार्टिंग चाहते हो विद एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड है 9 इंच में, और 9 इंच विद 1 GB क्या है इसके, ये बेसिकली लिखा इसमें 2 GB होता है बट एक्चुअल 1 GB होता है। जितनी भी चीज़ें होंगी हम पहले ही क्लियर बता दें, क्योंकि इन फ्यूचर में आप कहीं टेस्टिंग करो या ऐसा कुछ हो तो आपको ये ना लगे कि बताया कुछ और है और एक्चुअल में और चीज़ निकल जाएगी सामने। वैसे पूछना चाहूंगा मनु भाई, इसकी अगर पर्टिकुलर स्टार्टिंग पूछे तो कितने से होगी? अलग अलग भी अगर आप लेंगे एग्जांपल के तौर पे तो 1500-2000 के रेंज में, 1500 मतलब 3500-4000 के रेंज में आपके स्पीकर्स आते हैं, और वैसे ही आपका 5500-6000 के रेंज में आपका स्टीरियो जाता है। अच्छा, तो अगर इस टोटल एक कॉम्बो की अलॉन्ग विद वायरिंग बात करें तो क्या पड़ जाएगा लगभग लगभग? देखो, इसका अगर फ्रेम आप लेते हैं साथ में, फ्रेम 500 रुपये से 1500 तक की वैरायटी है, वेरी करता है आप कौन सी गाड़ी का फ्रेम ले रहे हैं, और उसके बाद 200 रुपये कपलर की कॉस्टिंग होती है, बाकी इसके रिंग कपलर की कॉस्टिंग 400-500 के बीच आती है लगभग। चलो ये बात। इसी के साथ ही भाई यहाँ की तरफ आप देख सकते हो, हमने ये हमारा दूसरा कॉम्बो है, दूसरा कॉम्बो जो आएगा हमारा 9500 रुपये का आएगा बेसिकली। इसके अंदर आपको एक सुपरसोनिक का स्टीरियो मिलेगा, 2 सेट आपको कोएक्सल मिलेंगे JBL के, ये 9500 रुपये का है। इसमें आप अगर एक कोएक्सल और एक ये लेते हो तो लगभग लगभग भी 2500-3000 का फ़र्क रहेगा इन टोटल में। मान लो 9500 का है तो ये 12.5 या 12 के रेंज में जाएगा लगभग। चलो,
इसके बाद नेक्स्ट सेटअप क्या है हमारे पास लोगों को दिखाने का? नेक्स्ट सेटअप हमारे पास जो है लेटेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली ये एमट्रैक्स का है। इसके कुछ वूफर्स और एम्पलीफायर और सबवूफर्स भी हमारे पास जो इनबिल्ट एम्प के साथ आते हैं। ये एमट्रैक्स जो है लिमिटेड काउंटर पे आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तब दिखा दोगे कैसे? इसका प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको क्या है, मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ उसको। तो बेसिकली जेबीसी वाला कोई प्रोडक्ट है और इसकी 1 ईयर वारंटी होती है। सबसे अच्छी बात यह है ये आपको 216 में मिलेगा। और अनबॉक्सिंग करके एक बार दिखा दें उसको, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है हमारे चैनल पे। ये देखिए, अच्छा अच्छा ऐसे आएगा ये कुछ है। क्या बात है। बाकी दिखने में सिमिलर ही है बाकी और सीरीज की तरह, बट क्वालिटी वाइज थोड़ा सा प्रीमियम है और अच्छी क्वालिटी में। सेपरेटली अगर आप इसको लेते हैं तो 9,500 रुपये का पड़ता है, और इन कॉम्बो लेते हैं आप तो आपको ये 14,000 या 13,500 के आसपास लगभग पड़ेगा। क्या बात है। तो इसके बाद भाई जो इसके साथ कंपेटेबल हम कंपेटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकते हैं वो पंक ऑडियो सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, राइट? बिल्कुल एमट्रैक्स के साथ, मतलब आपकी चॉइस है। मैं एक रफ एवरेज के हिसाब से हमने यहाँ पे कॉम्बोज बनाए हैं जो जिसके साथ आउटपुट भी अच्छा देगा, प्लस उसके साथ ये होगा आपका कि आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एमट्रैक्स के साथ स्टेज चीज चाहिए, या आप एमट्रैक्स के साथ ड्रिवन चाहिए, एमट्रैक्स आपको फोकल चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। टेस्ट है जैसा, हाँ बिल्कुल, ये हमने एक कॉम्बो बनाया है रेंज के अकॉर्डिंग। वैसे अगर आपको यहाँ आकर कुछ भी चेक करना हो तो आकर डब्बे पे खुलवा कर दिखा दोगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सामान देखे बिना तो कोई भी नहीं लेगा, नेचुरल से बात है। अगर आप शॉप पे विजिट करते हैं, ये भी पूछना चाहूंगा जो भी सामान हम ले रहे हैं उसकी कोई वारंटी गारंटी? जितना सामान यहाँ से वहाँ तक पड़ा है लास्ट तक, सबकी 1 ईयर वारंटी है और सबकी रिटर्न में वारंटी है। देखो मैं भी अगर आपको कभी वारंटी कार्ड देना भूल जाता तो आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप मेरे से वारंटी कार्ड लेंगे और मैं आपको रिटर्न में लिख के दूंगा एक एक चीज, क्योंकि देखो बिना रिटर्न में लिखे कोई भी दुकानदार नहीं मानेगा। तो सबसे अच्छी बात है आप पहले ही उसको रिटर्न में वारंटी लीजिए जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं। ये वाला सेटअप आपको 13,000 से 14,000 के बीच जाएगा, 13,500-14,000 लगभग। और इसके स्पीकर जो है पंक ऑडियो के, यहाँ पर आप भाई क्लियरली देखो कैसे दिख रहे हैं पंक ऑडियो, और ये 6.5 इंच के अंदर है टू वे कोएक्सियल और 300 वाट में है। इसका मैग्नेट काफी अच्छा है, ट्विटर क्वालिटी काफी अच्छी है, विद 1 ईयर वारंटी है। हाँ जी, मैग्नेट हाँ जी। और इसके बाद हमारा IPS हॉट सीलिंग है ये वाला भी। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, बाकी जितने भी आपके सेटअप्स थे उनके कंपैरिजन में इसका आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है, और इसका हमने एक कॉम्बो बनाया है। क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट जो था कि एक आउटपुट लिमिटेड आ रही थी, तो उस हिसाब से हमने आउटपुट के हिसाब से हमने स्पीकर्स सारे जजमेंट करके चले थे। इसके बाद अगर हाई एंड में अगर कहीं कंपेयर कर जाते हैं, जैसे कि फोकल के कंपोनेंट हो गए, कोएक्सल भी फोकल के हो गए, तो IPS के सीरियो के साथ अगर पूरा लेते हो तो ये आपको 17,000 से 18,000 रुपये का कॉम्बो जाता है। फैक्ट्री फिटेड साउंड आता है ना वैसा मिलेगा जैसे आपके कंपनी से लगा हुआ आता है, तो उस टेस्ट में अगर आप चाहते हो लगाना तो आप ये लगा सकते हो। जैसे कि आपका सेल्टोस में, सोनेट में अगर आपने सुना होगा, क्रेटा के टॉप मॉडल वेरियंट हो गए, उन वेरियंट्स के अंदर बेस का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। हाँ एग्जैक्ट, उस टाइप में अगर आप चाहोगे तो इस कॉन्सेप्ट में आप जा सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट कितने का पड़ जाएगा? अगर ये कॉन्सेप्ट लगभग लगभग भी आपका 18,000 के आसपास जाएगा इन टोटल। 18,000, इसमें वायरिंग वगैरह आप अलग से बता रहे हो या जितने भी आपके स्पीकर से कॉम्बो पड़े हैं सबके सब आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, जैसे कि कपलर और आपका फ्रेम रिंग ये सब सेपरेटली आता है, इसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा होती है, वो तो जोन सी गाड़ी होगी उसके ऊपर वेरी करता है। चलो, वो आपकी इच्छा है, वायरिंग में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी। हाँ, और वायरिंग्स कौन कौन से अवेलेबल है? अगर एम्पलीफायर के लिए आप यूज़ करते हैं तो स्कॉशियो की है, पंक ऑडियो है, एमट्रैक्स है, इंस्टेंट ऑडियो है, वर्ल्टेक है, मतलब बहुत सारे वेरियंट्स है, वो बजट अकॉर्डिंगली है। मैक्सलिंग की है। इसके बाद ये वाला एक सेटअप, ये थोड़ा सा यहाँ से मैंने आपको बोला ये सारा हाई एंड स्टार्ट हो गया। हाई एंड से मेरा मतलब जो 15,000 से ऊपर का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा हाई एंड में ही लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इतना बजट थोड़ा जाने के लिए कस्टमर दो बार सोचता जरूर है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगेन कोएक्सल कंपोनेंट प्लस ड्रिवन के सीरो के साथ हमने यूज करा है। ये वाला जो आपका लगभग लगभग जाएगा 20,000 के राउंड जाएगा, 18,000 से 20,000 रुपए में लगभग। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ये आपको ऑल ओवर इंडिया वारंटी मिलती है, पहली चीज तो ये। अब ये किसका है भैया? ये है JVC वालों का। ये भी? हाँ, ड्रिवन भी। वो इन्फिनिटी था, ये JVC है। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भैया। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखी होंगी। इसके MTK इसका मॉडल नंबर है 9 इंचेस के अंदर, और इसमें 9 इंचेस आता है, 10 इंचेस आपको बहुत रेयर मिलेगा इसके अंदर। क्या बात है। और यहाँ पे लिस्ट है पूरी की पूरी सर्विस सेंटर की। हाँ जी, ये साथ में देते हैं इसके। हाँ जी, 155 है तेलंगाना महाराष्ट्र गुजरात, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ चीज़ का कि 156 जगहों पे हमारे सर्विस स्टेशन है। नंबर से लेके एड्रेस तक लिखा हुआ प्रॉपर, पर पूरा का पूरा यहाँ पे देखो। तो नासिक में है, आती है ऐसे सेट्स के अंदर, तो आप सीधा खोलो इसे, यहाँ पे नाम नंबर एड्रेस सब चीजें लिखी हुई है, सर्विस सेंटर की लिस्ट दे रखी पूरी की पूरी। तो जहाँ कहीं भी आप हो, सपोज कोलकाता में हो, कोलकाता में किस जगह
है, कहाँ जाना है, कौन सा किस कौन सा बंदा क्या नंबर है, उसकी ईमेल आईडी समेत सब कुछ दे ही रखा है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है भाई, अगर ये तो आप ले लोगे लेकिन इसके बाद भी जाके आपके पास ऑथराइज डीलर के जो ये सीरियल नंबर्स होते हैं, अगर आपने ऑथराइज डीलर से लिया होगा तो उसका सीरियल नंबर मेंशन होगा वहाँ पे कंपनी के अंदर कि उसने कब परचेज करा, आपको कब दिया और आप कब वारंटी ले रहे हो। प्रोफेशनलिज्म वाला काम अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल, क्योंकि है ये बाय JL ऑडियो बट सर्विस स्टेशन जो आपको मिलेंगे वो JVC का मिलेगा। अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो भाई ड्रिवन बहुत तगड़ा अच्छा खासा ब्रांड है और बहुत हाइप पे चल रहा है, इसके लगभग 30,000-35,000 तक के सीरियल अवेलेबल है हमारे पास। जैसे किसी को 2-32-64 चाहिए एप्पल कार प्ले वाला या एंड्रॉइड वाला, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये वाला सेटअप जो आपने बताया लगभग कितना पड़ेगा? ये लगभग भैया ये वाला सेटअप जो आपका जाएगा 20,000 के अराउंड जाएगा, 18,000-20,000 के बीच जाएगा अप्रोक्सीमेट आइडिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास इधर की तरफ, यहाँ पे अब हमने थोड़ा ऑप्शनल कर दिया है, जिमर का एंड्रॉइड आता है, ये भी हम लगा सकते हैं। ये बेसिकली अब जो है सिंगल पीसेज हैं, इनकी मैं वैरायटी और क्वालिटी और आपको मैं सेपरेट बता दूंगा। जैसे ये वाला आपका जो आएगा 10,000-12,000 के रेंज में आएगा अप्रॉक्सीमेट आइडिया, जिमर का स्टीरियो। इसमें सस्ते भी आते हैं महंगे भी आते हैं, वैरायटी ऊपर डिपेंड करता है इसके अंदर। इसके बाद मोरल आता है आपका, ये आपको 6,000-6,500 के रेंज में मिलेगा, मोरल का कॉम्पोनेंट है बेसिकली। और सरुन वे का भी आपको बेसिकली मिल जाएगा हमारे यहाँ पे। इसके बाद इसके साथ जीवा भी कंपेटेबल है। हाँ, जीवा भी कंपेटेबल है, जीवा भी थोड़ा सा अच्छी रेंज में आया था, इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं। प्यार मिल रहा है वैसे इस ब्रांड को, क्या चक्कर है? ये आपको हर जगह में मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी सर्विस काफी अच्छी है। क्या बात है। इसलिए अगर आपको ऑल ओवर इंडिया वारंटी लेनी है तो आप ड्रिवन की तरफ जा सकते हैं, बट थोड़ा सा प्राइस रेंज जो है वो हाई एंड में तरफ जाता है तो उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो मुझे पता है साउथ साइड काफी ज्यादा सेल होता है। क्या बात है। तो फिर अगर मैं बात करूँ ये वाला जो आपने सेटअप दिखाया विद जिमर या विद जीवा, क्या पड़ जाएगा, किस रेट में पड़ जाएगा ये वाला? अगर आप लेके चलोगे लगभग 15,000-16,000 रुपए का जाएगा। अच्छा। अगर इसके साथ लेते हो और बाकी अगर आप जाते हैं इसके साथ में तो ये वाला सेटअप आपको पूरा का पूरा ये कॉम्बो जाएगा लगभग वही 16-17 के रेंज में। ये वाला सेटअप अच्छा, भी 18 के रेंज में। ऐसे ही आप इसका सेटअप चले जाते हो तो ये रेंज आपकी जाएगी वही 18-19 के रेंज में। तो ऐसे ही सारा सेटअप चलता जाता है। तो इसके बाद कुछ अपने पास वूफर भी हैं, एम्पलीफायर भी रखे हैं यहाँ पे। अब वो कॉन्सेप्ट अलग था बेसिकली पूरा का पूरा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आता है इसका, इधर की तरफ है हमारे पास एमट्रेक्स का सिल्वर MT 2400 वॉट पीक भी है इसकी, डबल मैग्नेट। आप पावर कह सकते हो, बाकी इसकी जो RMS काउंट होती है वो 350-350 RMS के आसपास। एक बार खोल के दिखा दोगे? मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को साथ ही खोल दो। बढ़िया प्रोडक्ट है और भाई जिसको लगाने में ना सिंगल वूफर भाई बहुत अच्छा मजा दे देगा। वारंटी कार्ड साथ में आता है आपका, यहाँ से इसकी ब्रांडिंग के साथ एक एक चीज आपको दिखाएंगे ओपन करके। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई इसकी जो कॉइल देखिए आप, इसके फिनिशिंग देखिए, डिज़ाइन सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अगर यहाँ से नीचे दिखाएंगे तो मैग्नेट भी काफ़ी अच्छी है इसकी, डबल मैग्नेट है ये देखिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी दो पॉइंट मिलते हैं इसे जोड़ने के, दूसरी तरफ भी है ये डबल मैग्नेट के। अच्छा, तो डबल मैग्नेट सिंगल पॉइंट के अंदर है ना। इसके वेट की बात करूँ, एक बार छोड़ो, वेट तो बहुत है इसका। आई थिंक इसका वेट 8-8.5 किलो के आसपास होगा, है ना। मैट्रिक्स और देखो भाई देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसे आप अपने एनक्लोजर, बेस ट्यूब, पोर्टेड, सील्ड किसी के अंदर भी लगवा सकते हो, है ना, किसी में भी लगा सकते हो। बाकी इसका जो है जैसे कि आपके थोड़े बड़े आपके बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें आउटपुट अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। साथ में अगर चाहिए तो इसके हमारे पास स्पीकर्स भी आते हैं एमट्रैक्स के, उसका भी एक बार यहाँ पे हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि कैसा भाई इसका रहने वाला है रिस्पॉन्स। तो देखने में है कुछ ऐसा ही है और इसी के अंदर ही ट्विटर होता है। अगर आप कोएक सेल लगवाते हो फायदा बस ये है दोस्तों कि आपको हॉच पॉच नहीं रहती कि अलग से, इजी टू फिट हो। हाँ बिल्कुल, सिंपल प्लग एंड प्ले है और ये जल्दी खराब नहीं होते, इनकी लाइफ फिर भी बहुत अच्छी चलती है। एक लास्ट चीज है जिससे हर भाई परेशान रहता है कि भाई मुझे इतना बड़ा तांदा नहीं चाहिए, कोई ऊपर का सप्लीमेंट चाहिए, मुझे प्लेस भी चाहिए मतलब कि सामान रखने के लिए जगह भी चाहिए उसके बाद, और मुझे फालतू खर्चा भी नहीं करना है, मुझे एम्पलीफायर भी नहीं चाहिए। तो ये है अलग से जो कि मैं आपको खोल कर दिखा रहे हैं भाई। ये निकाला यहाँ से, ये निकाला भाई यहाँ से, जगह कम है तब लगा रहे हो तो आपको एम्पलीफायर या वायरिंग अलग से नहीं लगानी, सिर्फ एक वायरिंग किट पावर की आएगी जो आप यहाँ लगाओ बैटरी से कनेक्ट होगी और ये यहाँ पे RC लीड है। आप देख सकते हो ये आप इसको पावर को कम ज्यादा करने के लिए या फिर आप इसको बेसिकली बेस के इफेक्ट को जनरेट, बेस फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम सब यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, इनपुट आउटपुट यहीं है और एक वायरिंग किट लगेगी उसके साथ इसे बजाओ और आपकी कार के अंदर कोई भी हॉच पॉच वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसकी मैग्नेट दिख रही है तो मैग्नेट भी काफी इसकी मोटी है, हाँ हैवी मैग्नेट लग रही है इसमें। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऊपर भी देखेंगे तो इसका ये देख रहे हैं आप कौन,
निकॉन जो है वो काफी अच्छा है बेसिकली, जैसे कि हैंडमेड सबवूफर में आता है उस टाइप का कुछ फील दे रहा है ये। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी प्रीमियम इसके साथ आपको मिलेगा। चलो भाई, तो कुछ ऐसा है ड्रिवन बाय इंस्पिरेशन, तो इन्फिनिटी के आपके सर्विस स्टेशन में ठीक होगा ये। अगर इसमें पहली चीज तो दिक्कत ही कहाँ आती है, इतनी जल्दी इन चीजों में आती नहीं है, सबसे अच्छा वूफर है एंट्रेक्स का अभी तक का, बजाओ और बजाते जाओ। चलो भाई, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो अगर मैं अच्छा मैं रेट पूछूं इनका, क्या क्या प्राइस में क्या रहेगा? ये वाला जो आपका सब ऊपर जाएगा ये 5500 के रेंज में जाएगा। और ये इसके अलावा कोई आप जाते हैं जैसे JBL वगैरह भी जाते हैं, कोई लेके जाते हैं, ठीक है, 5-5.5-6000 इंच वो भी नहीं, इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब इसकी जो वाइब्रेशन जो पंच है वो क्लियर आता है बहुत, ठीक है। और इसके अलावा एंट्रेक्स है ये छोटे में बहुत ही बड़ा बॉम्ब है भाई। देखो भाई, इन्होंने अपने पट पे रखा हुआ है और इनका जहाँ पट शुरू है यहाँ खत्म है, बिल्कुल वहीं तक है, बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ ऐसे ही है। तो भाई छोटा स्पेस सेवर तो है ही है, इसके साथ ही भाई आप इसे लगाओ। ऑल ओवर ईयर की 1 साल की इसकी वारंटी है, 1 साल में कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, वारंटी कार्ड देंगे आपको रिटर्न में लेके, कोई भी प्रोडक्ट का एमटेक्स का ले रहे हैं तो 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको। ये लगभग अभी आपका 4,500 के आसपास जाएगा, 4,500-4,500 रुपये का, बट ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है भाई। देखो अब अगर एक्सपेंसिव लग रहा होगा 2500 नहीं भैया, 4,500-4,000 रुपये में तो कोई महंगा नहीं है, 2500-3000 से चाइनीज स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक अच्छा ब्रांड जो है ना वो इस रेंज से स्टार्ट नहीं होता भाई। देखो अब इसके अंदर आपको मिल रहा है इनबिल्ट एम्पलीफायर प्लस एक वूफर, इन दोनों चीजों को सेपरेट खरीदोगे ना तो कम से कम 10,000 के लपेटे में तो दोनों सामान कम से कम आएगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो भाई आप कहाँ 4.5 कहाँ 10, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो इस चीज को। बाकी उसे वूफर की बात करूँ जो हमारा 2400 वॉट पीक का है, वो किस रेट पे पड़ जाएगा आपको? कोई 5-5.5 के लेने पड़ेगा लगभग। अच्छा अच्छा, और वो जो आपने चलो भाई, तो कुछ ऐसे है ये आप चीजें हैं जो ले सकते हो। और अगर लेनी हो, इवन हमारे मन्नू भाई पैन इंडिया डिलीवरी भी देते हैं, इनकी वेबसाइट पे ईएमआई का ऑप्शन है, अपनी पे नहीं है, क्या चक्कर है? सर्विस हमारे पास अवेलेबल है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को आप 1,00,000 रुपए का सामान लेने एग्जांपल के तौर पे, तो आप वहाँ से 1,00,000 का अपना माल परचेज करिए, वहाँ पे आप ईएमआई बना सकते हैं 10,000 की, 5,000 की, 2,000, जैसे 2,000 का कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग रेंज है तो उसकी 200 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी ईएमआई की, और कोई 10,000 का सामान है तो उसकी 300 कुछ रुपए से या 400 कुछ रुपए से ईएमआई स्टार्ट होती है पर मंथ की, तो 24 महीने तक की हमारी ईएमआई होती है। तो वो सारी इनकी वेबसाइट भी है, उसे खोलो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दिख जाएगी। बाकी अगर आना हो कहाँ आ सकते हैं फिजिकली काम कराने? फिजिकली काम कराने आप सेवा कार सर्विस बालाजी आसिस कहीं भी आ सकते हैं, 2 शॉप्स हैं हमारी, वैसे आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करके आए तो थोड़ा सा हमारे लिए यूज होता है आपको टाइम देना। बिल्कुल भाई, तो आ जाना भाई, बाकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम दोनों ने इतनी मेहनत करके, ये पसीने में आप समझ रहे हो, कभी 40 कभी 44 टेम्परेचर हो रहा है, धूप में कहाँ शूट करना चालू किया था, अब देखो कहाँ तक रात हो गई करते करते। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक तो देना बनता ही है हम लोगों को, कहाँ हम आप लोगों के ये पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको करते जा रहे हैं सॉल्व एक एक करके। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए करें कि आपको क्या रोकना, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर या उस प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने की। तो भाई बढ़िया रहेगा अगर आप सजेस्ट करोगे, हम बना पाएंगे, निकाल पाएंगे। नेचुरल सी बात है कि ऑडियंस ही देखने वाली है, अगर ऑडियंस को जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है हम उस चीज़ में मेहनत ज़्यादा करें। बिल्कुल, अगर हमने जो दिखाना हो तो हम दिखाएंगे, लेकिन अगर आप हमें बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है हम उस चीज़ के ऊपर काम भी कर सकें। विद दिस सेड दोस्तों, वीडियो करते हैं एंड, बताना है वीडियो कैसी थी। ऐसी नई नई सारी वीडियोस के लिए कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब, बाकी मनु भाई की डिटेल सारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नए आए इस चैनल पे तो कर देना सब्सक्राइब क्योंकि हम बनाते रहते हैं ऐसी सारी सारी वीडियो। और जुलाई के अंदर 8 से लेकर 11 तारीख तक शॉप क्लोज रहेगी, तो उससे थोड़ा आप भाई शादी कर रहे हैं ठीक एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना अगर आप करना चाहो तो। बाकी खैर ये है, करते वीडियो इसी नोट पे एंड, और बाकी बताना वीडियो कैसी थी, चैनल पर नया है तो कर जाना सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसी सारी प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, हो सकता है उसके लिए हेल्पफुल हो, वो इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।